हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। बोल रिचा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं ग्रीन वाले बैगन की और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, छिलके वाले आलू की। दोस्तों मैं आज आलू और बैगन की सब्जी बनाने वाली हूँ। देखिए ये बैगन है और आलू का बिना छिलका उतारे मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये बैगन है, ये आलू है और ये हमारा हरी मिर्च है, ये अदरक का है छोटे छोटे पीस में कर लिया है, ये लहसुन की कलियां है, ढेर सारा लहसुन दिया है ताकि टेस्ट जबरदस्त आए, और एक प्याज को काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी गर्म हो गया है हमारा और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए ऑयल डाल चुकी हूँ और मसाले में ये मिर्च पाउडर है, ये हल्दी है, ये सब्जी मसाला है, नमक है, जीरा है और धनिया पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया है, अब इसमें जीरा डाल दी हूँ। अब देखिए ये लहसुन डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च डाल दिया, लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, अब ये प्याज डाल रही हूँ, ये प्याज डाल दिया। अब इसको मिक्स करूँगी, अब इसमें नमक डाल दूंगी, इसी टाइम इसमें नमक डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डालिए भाई, स्वाद के अनुसार जितना आपको जैसा खाते हो उसके अनुसार आप डालिए और मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारा ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मसाला डालूंगी, ये हल्दी पाउडर डाला एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच डाल दी हूँ, मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाली हूँ और ये सब्जी मसाला डाली हूँ, मिर्च पाउडर डाली, सब्जी मसाला पहले डाल दी थी। और इस सबको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, हल्का सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए पानी डाल दिया, इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसका जब तक मसाला फ्राई ना हो तब तक मैं देखिए तब तक मैं ये सब्जी नहीं डालूंगी। मसाला फ्राई हो गया, अब ये सब्जी डाल के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और ये ढक के थोड़ी देर इसे छोड़ दूंगी, तो ये पूरा बैगन जो है ना पिघल जाएगा, मगर गल जाएगा पूरा बैगन। ढक के थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये देखिए अब ये ढक के 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा सब्जी बन के रेडी है। अब इसे मैं सर्व करूँगी। देखिए सब्जी मेल्ट हो गया है, आलू भी बैगन भी, और उसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।